जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेठी सहित पूरे प्रदेश में 15 दिनों से बदन को झुलसा देने वाली गर्मी से सोमवार को लोगों को जहां राहत मिली तो वहीं तेज धूल भरी आंधी और वर्षा ने कई स्थानों पर कहर भी बरपाया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए और दो लोग की मौत हो गई। टीन शेड और पक्की दीवारें और भी आंधी से जमींदोज हो गई है। आपको बता दें कि अमेठी में भयावह रूप से धारण किए गए आंधी से अनेक जगहों पर पेड़ और विद्युत पोल धराशाही हो गए, जिसमें कस्बों, नगरों और गांवों में बिजली बाधित है। आज भी अमेठी में बूंदाबांदी हो रही है और बारिश होने की प्रबल संभावना है। वर्षा के कारण सड़कें कीचड़युक्त हो गई हैं, जिन पर चलना दुश्वार हो गया है। गौरीगंज जिला मुख्यालय पर तेज आंधी और वर्षा के चलते सब्जी मंडी, चौक, बाजार, स्टेशन रोड सहित ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के पंखे, टीवी, कम्प्यूटर, ट्यूबलाइट आदि जल गए। सबसे बुरा हाल शंकरगंज का रहा है, जहां धूल भरी आंधी से चाट और अंडे की दुकानें, झूठे दोना पत्तल लोगों के मुंह पर उड़ उड़कर गिर रहे थे। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtaawaz.com को लॉग इन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।